मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा न्यू चैप्टर जो है, सेकंड लास्ट चैप्टर जो है, ये आपका बचा है बस आपके सिलेबस का शांति। इसके अंदर से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हटे हैं, बट इसकी जो स्टार्टिंग है वैसे अर्थ से दे रखी है, बट मैं आपको इसकी थोड़ी सी भूमिका जो है वो भी बताऊंगी शांति की। देखिए, बहुत से अतीत के अंदर हमारे ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने कि शांति जो है उसको नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसे अगर आप देखें तो जो दार्शनिक हैं फ्रेडरिक नीत्से, उनके अनुसार इन्होंने शांति जो है उनको शांति को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया था, क्योंकि इनका ये मानना था कि सिर्फ संघर्ष जो है उसी से ही सभ्यता जो है उसकी उन्नति हो सकती है, या सभ्यता का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो सकता है केवल मात्र संघर्ष से। इसी प्रकार से जो सिद्धांतकार थे विल्फ्रेडो पेरेटो, 1848 से 1923 का इनका टाइम रहा है, और इनका दावा जो है वो ये था कि अधिकतर जितने भी समाज हैं उनमें जो शासक वर्ग है उसका जो निर्माण है वो सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जो ताकत का इस्तेमाल करने वाले के लिए जो तैयार लोग होते हैं उनके साथ में होता है। मतलब कि शासक वर्ग जो है उसके लिए हमेशा ताकतवर होना और अपने लक्ष्यों को पाने में सक्षम होना जो है वो अनिवार्य इन्होंने माना पेरेटो ने, और ऐसे जो लोग थे जिनके अंदर ताकत है उनका वर्णन जो है वो इन्होंने एक शेर के रूप में किया है, शेर मतलब लॉइन के रूप में किया है, ठीक है। फिर शांति जो है उसका जिस प्रकार से ये नकारात्मक पहलू बताया गया है, इसी प्रकार से शांति जो है उसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। जैसे कि शांति जो है उसको अधिकांशतः सभी, अगर आप अपने धार्मिक उपदेश वगैरह देखेंगे तो सभी धार्मिक उपदेशों के अंदर शांति जो है उसको महत्व दिया गया है, एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो प्राप्त है। आधुनिक समय में आध्यात्मिक क्षेत्र हो या लौकिक क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्र जो हैं उनमें शांति जो है उसको महत्व दिया जा रहा है। जैसे महात्मा गांधी जो है उनका नाम भी अगर आप देखेंगे तो शांति के जो समर्थक रहे हैं उनके अंदर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण है जैसे कि शांति स्थापित करने के लिए अनेक भाग जो हैं उनमें अनेक अत्याचारपूर्ण व्यवहार जो हैं वो देखे गए हैं, जैसे भारत पाकिस्तान की जो त्रासदी हुई, या जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ द्वितीय विश्व युद्ध जो है उसमें जर्मनी में लंदन जो है उस पर घनघोर बमबारी जो थी वो की गई थी, और इसकी जो प्रतिक्रिया हुई उसके अंदर ये था कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने जर्मनी के जो भी नगर थे उन नगरों पर इन्होंने हमला किया। फिर 6 से 9 अगस्त 1945 जो है उनको अमेरिका के द्वारा भी जापान के जो दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी उस पर परमाणु बम जो थे वो गिराए गए, जिससे कि काफ़ी संख्या के अंदर लोग जो थे वो मारे गए थे। तो युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद में जो पूरी दुनिया थी वो दो भागों के अंदर, दो गुटों के अंदर विभाजित हो गई थी, दो महाशक्तियों के अंदर पूरा विश्व जो है वो बट गया था। एक तरफ जो है उसमें अमेरिका था और एक तरफ सोवियत संघ था। ये मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि 1939 से 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये द्वितीय विश्व युद्ध, और इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो पूरी दुनिया है वो दो गुटों में बट गई थी, एक आप कह सकते हैं पश्चिमी गुट और एक था पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट जो है इसका जो नेतृत्व करता था, जो नेतृत्व करता है वो अमेरिका था, और पूर्वी गुट का जो नेतृत्व करता था वो सोवियत संघ था, ठीक है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दो गुटों का जो विभाजन है वो हो गया था, और दोनों जो ये महाशक्तियां थी, पावर्स जो थी, अमेरिका और सोवियत संघ, इन्होंने अपने आप को स्वयं को ताकतवर बनाने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों का निर्माण किया, संचय किया, क्योंकि इनको ये डर था कि कभी भी
युद्ध जो है वो हो सकता है। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक साथ थे, मतलब दो गुटों में था जो ये युद्ध हुआ था। इसके अंदर धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे, तो मित्र राष्ट्र के अंदर अमेरिका भी शामिल था और सोवियत संघ भी था। मतलब वर्ल्ड वॉर जो लड़ी गई थी उसके अंदर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों साथ थे, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद में ही इनके मन में ये कामना पैदा हो गई थी कि दोनों महाशक्तियां नहीं रह सकती। जैसे आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, वैसे ही इन महाशक्तियों में भी ये होड़ हो गई थी कि यही एकमात्र सुपर पावर रहे। और इसी के कारण से दोनों ही महाशक्तियां जो थी उन्होंने भरपूर मात्रा में हथियार जमा किए, क्योंकि उनको ये संदेह था कि कभी भी युद्ध जो है वो हो सकता है। तो इस संशय मात्र से ही जितने भी इन्होंने अपने संसाधन वगैरह थे वो सब कुछ परमाणु हथियारों की होड़ में लगा दिए थे। ठीक है, इसी का ही एक उदाहरण जो है वो है क्यूबाई मिसाइल संकट का। देखो, क्यूबाई मिसाइल संकट जो है इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कह सकते हैं। अब शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? शीत, तुम ये मत समझना कि सर्दियों में लड़ा जाने वाला युद्ध। शीत युद्ध का मतलब होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि दोनों ही महाशक्तियां जो थीं उनके पास में भरपूर मात्रा में हथियार थे। अब अगर ये हथियारों के द्वारा लड़ाई करते तो कौन जीतता कौन हारता इसका निर्णय ही नहीं हो पाता, बल्कि नुकसान ज़्यादा होता। जब दो समान ताकत के व्यक्ति आपस में लड़ेंगे तो उसमें निर्णय नहीं आएगा सामने, बल्कि उसका जो घातक परिणाम है वो ज़्यादा सामने आएगा। तो यहाँ पर भी यही था कि दोनों महाशक्तियों के पास में हथियार थे, तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र के माध्यम से लड़ाई ना करके और वैचारिक आधार पर या मानसिक आधार पर जो युद्ध लड़ा उसको शीत युद्ध कहते हैं। अर्थात इसके अंदर पत्र पत्रिकाओं का, मीडिया का सहारा जो है वो लिया जाता है। ये मस्तिष्क से लड़ा जाने वाला युद्ध होता है, इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाना, उस पर आक्षेप लगाना, इस प्रकार के साधन जो हैं वो अपनाए जाते हैं। तो इसमें जो इसकी पूरी घटनाक्रम है क्यूबाई मिसाइल संकट की, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। थैंक यू।